नमस्कार दोस्तों, जेरन ऑटो सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे हॉर्न एडजस्टिंग के बारे में, हॉर्न को कैसे एडजस्ट किया जाता है जब हॉर्न नहीं बजे। तो अभी देख सकते हैं मेरी गाड़ी में हॉर्न नहीं बज रहा है, मैं बजा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हॉर्न दबा रहे हैं नहीं बज रहा है, तो हमको क्या करना है, इधर आना है। उसके बाद इसकी जो इस हॉर्न की जो वायर है, ये देख सकते हैं ये वायर है जो स्प्लेंडर की जो वायर होती है, ये दो कलर की होती है हॉर्न में वायर, एक गहरा ग्रीन होता है एक हल्का ग्रीन होता है। तो गहरा ग्रीन वाला अर्थ का होता है और ये जो हल्का ग्रीन है तो इसको हमें खोल लेना है वहाँ से। देखिए मैंने अभी खोल रहा हूँ, ये खोल लिया। तो पहले इसमें चेक करना है कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हॉर्न दबाइए। तो देख सकते हैं इसमें लाइट आ रहा है, तो अंदर से कोई कनेक्शन फॉल्ट नहीं है, ये सही है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको वायर को फिर से लगा देते हैं। ये लगा दिया। अब क्या करना है, आपको एक रिंच लेना है, ये 7 नंबर का पत्ती रिंच, या फिर आप प्लास से भी खोल सकते हैं। तो 7 नंबर के पत्ती रिंच से, यह हर हॉर्न में ऐसा सिस्टम नहीं होता 7 नंबर वाला, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से ही हो जाता है बोथ में। तो इसको लूज कर लेना है। ये देखिए मैंने लूज कर लिया। अब स्क्रू ड्राइवर लेना है, छोटा हो बड़ा हो जैसा हो। उसके बाद इसको घुमाना है। अब चारों तरफ से आपको घुमा के देखना है कि किधर ये पकड़ रहा है, इसको घुमाना है और हॉर्न को दबाना है। ये देख सकते हैं आप, इतने में आ रहा है। बजा दो, देख सकते हैं दोस्तों ये हो चुका है। अभी इसको वापस से टाइट कर लेना है। इसमें डबल हॉर्न है तो हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे लूज कर लेते हैं। बजाइए तो नहीं बज रहा है, देख सकते हो तो इसका साउंड चेंज हो गया है। अभी आप इसका साउंड सुन सकते हैं किस तरह का साउंड है, इतना खतरनाक साउंड है। तो दोस्तों आपकी गाड़ी में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जितनी भी वीडियोस डालें वो आप तक जल्दी पहुंच जाएं।